तो बचा लें। हद कट काइट, दूसरों को पता हम कैसे काटें। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं हद कट काइट, दूसरों को पता हम कैसे काटें, कैसे लड़ाएं, कैसे पेंच लड़ाएं और काटने क्या क्या ट्रिक है पतंग को, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए फास्ट सीखते हैं हद कट काइट, पतंग को कैसे काटें। तो फ्रेंड, यहाँ कुछ बेसिक ट्रिक हैं जो हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि वो राइट वाली, ये वाइट ब्लू, ये आपकी काइट है, ये ग्रीन रेड धारी वाली अदर्स काइट है, दूसरी काइट है। तो फ्रेंड, ज़्यादातर ये होता है कि आप काइट फ्लाई करते हो, घर से उड़ाते हो, वो पीछे से है। ज़्यादातर ये घटना होती है कि आप उड़ाना शुरू कर रहे हो, झूलना शुरू कर रहे हो, कोई आपके सामने आ गया, आप समझ नहीं पाए, या तो उठाते समय आप कट गए, या तो सोचते हैं कि आप अगला हम ही काट दें, तो अब पतंग जो है हल्की पड़ जाती है, कन्ने के पास पड़ जाती है, उसकी दूर लंबी हवा में है, आप कट जाते हो, जल्दीबाजी कर जाते हो। तो जल्दीबाजी ना करें, कोई भी पहला अगल बगल देख लें, ऊपर नीचे सामने कोई काट वाला नहीं है, कोई आपको नहीं काट रहा है, तब उसको ढीलें, अब कोई है तो बचा लें। सोचेंगे कि हम काट दें तो आप ही कट जाओगे, क्योंकि आपकी पतंग अभी हवा में गई नहीं है, उसकी हवा में है, आप उससे है तो आप कट जाओगे। हाँ, थोड़ा लंबी है तो ठीक है, लंबी है तो बहुत चलाक हो तो नीचे से बहुत ज़ोरों से खींचो, या तो आप जाके धीरे धीरे उठाओ उसको, टाइट पतंग जो है नीचे ले जाके चक खिला के और टाइट करते हुए भारी पतंग तो उठाओ, वो मारेगा तो कट जाएगी, क्योंकि आपकी खड़ी हो गई है, थोड़ा लंबी है तो, छोटी है तो अपना उठें, आप कट जाओगे। तो फ्रेंड, सबसे भयंकर, सबसे दमदार पतंगबाजी जो है फाइटिंग आपकी घींच वाली होती है। घींच का सामना करने में बहुत मज़ा आता है और काइट का सबसे ज़्यादा इन्जॉय हम लोग इसी से करते हैं, पतंग घींच कर और पतंग घींचने वाले को देख कर कैसे काटता है, कैसे हम काटते हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादातर आप चाहते हो कि हम पतंग तो काटें, तो अगर दूसरे काइट है, आप चाह रहे हो कि इसको काटना है, काफ़ी लंबी है, वो घर के सामने है, आगे है या बगल में है, आपकी लंबी है, पतंग लंबी कर लो, लंबी है तो आप ऐसे जाओ, अब कुछ निकल रहा है तो आप जाओ ऐसे, पतंग से दूर से थोड़ा नीचे रहे, सर टच ना हो, नहीं तो कट जाएंगे आप। बस उसके पतंग नीचे आप जाएँ, चक खिला के इसको नीचे ले जाएँ, कम से कम 10 से 15 फीट, उसको चक खिला के आप तिरछा खींचें, तो वो तो कट जाएगा, या तो भागता है, आप घुसते हो सीधे घुसिए आप, अगर वो भागता है ऊपर को तो आप सीधे घुसो, सीधे लाइन में सीधे घुसते रहो, चाप बहुत ज़ोर से खींचिए आप तो कट जाएगी, या तो वो आपको बचाव कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे लड़ रहे हैं, वो इधर तो कर रहा है, आप थोड़ा गड़बड़ हुआ तब कट जाएंगे, वो चाह रहा कि आप मेरे पास आएँ, घर के पास काट दें, तो उसके लिए उपाय है मौका देख के, जो ऐसे लाता है, ऐसे पतंग खड़ी होती है, आपकी पतंग थोड़ी दूर होनी चाहिए, 10-15 फीट, 5 फीट भी चलेगा, लेकिन इसको ऐसे ले जाके आप देखते रहिए, जो इसकी पतंग ऐसे खड़ी होती है, आप ऐसे करके बहुत ज़ोरों से खींचिए, सीधे सीधे एकदम प्लस में, इसकी पतंग खड़ी है ज़ोरों से खींचिए, वो कट जाएगा। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट स्टेप है, सबसे फास्ट स्टेप आपका ये है कि अगर आप घुसते हो, आप सोचते हो कि बस घुसें, पतंग अभी टच नहीं हुई है डोर, अगर वो चलाक है तो आपको नीचे दबाएगा, मुत्था मारेगा, अगर नहीं चलाक है तो ऐसे घुमाता रहेगा, आप जाओगे ऐसे थोड़ा नीचे लोगे, ऐसे घिस दोगे तो कट जाएगा, अब उसकी खड़ी है तो कट जाएगा, चक खारी तो भी कट जाएगा, अगर अगर डोर के पास में आपकी काइट है, अब गया डोर के पास काइट है आपकी, कम से कम 5 फीट करीब या कुछ 2-3 फीट से दूरी पर है, और जो ही उठाना चाहोगे वो दबा देगा धीरे से भी, तब कट जाओगे, इसीलिए पतंग ले जाएँ ध्यान दे, अगर घिसने पटकने वाला है तब रुक जाएँ, रुक के या तो निकाल लें या तो उसको तान दें,
टांग ठुंगी देते रहें, मौका देख के नीचे लेके तो घुस दें तो कट जाएगा। दूसरी बात यह कि हम घुसते हो तो रेडी है कि हम घुसेगा तो उठाएगा तो हम घिसेगा तो हम उसको मार देंगे, दबा देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको घुसना है, उसको पता है कि आप घिसने वाले हो, लेकिन आपको तुरंत दबा लेना है। फिर दबाएगा वो कि अगला घिसेगा तो हम दबा देंगे, फिर आपको बहुत ज़ोरों से नीचे ले जाना है। कम से कम 15 से 20 फीट जितना ले जा सकते हैं, 10 फीट बहुत ज़ोरों से ले जाना है, झटके ले जाना है, समझ ना पाए वो, ज़ोरों से नीचे ले जाना है। और तुरंत आपको घुमा के तिरछा बहुत ज़ोरों से घिसना है। वो मारेगा मुत्था, वो तुम्हारा नहीं मारना है, उसको पता है कि दबाएंगे तो कटेगा वो, लेकिन ये कि आप नीचे हो बहुत ज़ोरों से घिंचो झटके में, तो अगर फोर्स में आ गई है तो वो कट जाएगा। ये फ्रेंड बहुत बेस्ट ट्रिक है, उस आप दूसरों पतंग काट पाएंगे। और दूसरी पतंग स्टाइल वगैरह आपकी ये है कि कोई अगर पतंग सामने खड़ी है, हथन से काटना है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको बस डोर के पास जाके 10 फीट 15 फीट इधर लेकर दूरी लेकर उसको बहुत ज़ोरों से खींचें, या तो कन्ने से पास खींचें या तो बहुत ज़ोरों से खींचें ऐसे प्लस में तो कट जाएगा। या तो ऐसे अगर पीछे से है, बैक साइड से है, या घर पीछे से है, बगल से है, तो ऐसे अंदर घुसिए, उठाता जा रहा है, आप बहुत ज़ोरों से अंदर सीधे घुसिए तो कट जाएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।